हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवीण शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है माध्यमिक स्तर पर गृह विज्ञान शिक्षण के मुख्य उद्देश्य, मेन एम्स ऑफ होम साइंस टीचिंग एट सेकेंडरी लेवल। गृह विज्ञान की शिक्षा द्वारा छात्राओं में उन गुणों एवं कुशलताओं का विकास करना है जिनके द्वारा विश्व, यानी कि विश्व का विकास हो। कहने का तात्पर्य यह है कि नागरिक, सुविकसित नागरिक स्वस्थ एवं सुखी पारिवारिक जीवन के निर्माण में प्रभावी भूमिका निभा सकें। शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण, यानी कि उद्देश्य शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है और ये उद्देश्य प्रत्येक देश, काल और समाज में पृथक पृथक अवश्य हो सकते हैं, परंतु इनके महत्व के प्रति कोई भी संशय नहीं है। तो यहाँ कुछ मिसप्रिंट हो गया है, यानी टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है। कोई भी संशय नहीं हो सकता है, यानी कि उद्देश्य हमेशा बालिकाओं के निर्धारित होनी चाहिए जिससे कि वे भविष्य की योजनाओं में सफल हो सकें। माध्यमिक स्तर की बालिकाएं समझदार हो जाती हैं, अतः गृह विज्ञान का उद्देश्य उन्हें सर्वगुण संपन्न बनाना है तथा छात्रों आजकल तो छात्र भी गृह विज्ञान पढ़ते हैं, का बहुमुखी विकास इस प्रकार करना है ताकि वे पूर्णता सफल एवं सुखद व्यक्तिक, पारिवारिक तथा सामाजिक जीवन बिताने की दृष्टि से सक्षम बन सकें। इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से पॉइंट आ सकते हैं, यानी कि कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये हो जाता है कि कौन कौन से जो उद्देश्य होने चाहिए जिससे कि वे अपने जीवन को सफल बना सकें। तो यहाँ पर वर्तमान परिस्थितियों में माध्यमिक स्तर पर गृह विज्ञान शिक्षण के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार से हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट पर हम देख रहे हैं उत्तरदायित्व की भावना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। गृह समाज की प्रारंभिक एवं आधारभूत इकाई है। प्रत्येक छात्र को पूर्ण ज्ञान होना चाहिए कि गृह के प्रति उसके क्या कर्तव्य हैं। उस भावनाओं के विकसित होने पर ही वे परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को पूर्ण करने की ओर अग्रसर हो सकेंगी, क्योंकि जब तक उन पर उत्तरदायित्व की भावना नहीं होगी तब तक वे किसी भी कार्य को ठीक प्रकार से नहीं करेंगे। प्रायः हम घरों में देखते हैं कि बालिकाओं के ऊपर उत्तरदायित्व छोड़ा ही नहीं जाता है और विद्यालय में भी प्रैक्टिकल करके दिखा दिया जाता है, और अधिक संख्या होने के कारण बालिकाओं को उन्हें कुछ भी करने के लिए सौंपा नहीं जाता है। तो ऐसी स्थिति में ना तो बालिकाएं घर में ठीक से काम कर रही हैं, उनके ऊपर उत्तरदायित्व है, और ना ही विद्यालय में उन्हें करके सीखने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। तो ऐसा होने से भी बालिकाएं सीख नहीं पाती हैं, अतः उत्तरदायित्व की भावना का विकास करने के लिए उन्हें उत्तरदायित्व देने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे संतोष की भावना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ ए सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। संतोष की भावना का जीवन में अत्यधिक महत्व है। कहा जाता है कि संतोषम परम सुखम। गृह विज्ञान की जो छात्राएं हैं, छात्राओं को सिखाया जाना चाहिए कि उपलब्ध सीमित साधनों का उपयोग असीमित आवश्यकताओं की अधिकतम संतुष्टि के लिए कैसे किया जाए। व्यक्ति जब अपने सीमित साधनों से अधिकतम संभव उपयोगिता प्राप्त कर लेता है तो वह सुखी तथा संतोषी जीवन का अनुभव करता है। छात्राओं को सिखाया जाना चाहिए कि वे संतोषी जीवन किस प्रकार से प्राप्त करें। व्यक्ति जब अपने सीमित साधनों से अधिकतम संभव उपयोगिता प्राप्त कर लेता है तो वह सुख तथा संतोष का अनुभव करता है। जिस व्यक्ति के अंदर संतोष की भावना पर्याप्त रूप से विकसित हो जाती है, वह जीवन में मानसिक द्वंद्वों, ईर्ष्या, द्वेष, निराशा आदि अवगुणों से बचा रहता है। इस प्रकार संतोष की भावना का विकास करना गृह विज्ञान शिक्षण का एक प्रमुख उद्देश्य है। इसी के साथ हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में सामाजिक एवं नैतिक गुणों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंड मोरल क्वालिटीज। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, उसके जीवन की सफलता मधुर सामाजिक संबंधों एवं उत्तम स्वास्थ्य पर बहुत कुछ निर्भर करती है। गृहिणियों के लिए ये गुण अत्यंत आवश्यक है, अतः इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए गृह विज्ञान के द्वारा छात्राओं को उन समस्त गुणों से विभूषित करना चाहिए जो स्वस्थ सामाजिक संबंध स्थापित करने में विशेष रूप से सहायक होते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। जब छात्राएं व्यवहारिक विषयों में एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करती हैं रहती हैं तो वे आवश्यकतानुसार एक दूसरे को सहयोग देती हैं तथा पारस्परिक प्रेम वृद्धि के लिए एक दूसरे की मनोवृत्तियों का सम्मान करती हैं, तब उनमें सच्चाई, पारस्परिक प्रेम, सद्भावना, सहयोग, संयम, निस्वार्थ भाव आदि सामाजिक गुणों का विकास स्वतः ही होता जाता है।
यदि छात्राएं काम करते समय आपस में लड़ाई, ईर्ष्या, चोरी, असंयम आदि असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन करें तो शिक्षिका को उनके इस व्यवहार की सहानुभूतिपूर्ण ढंग से आलोचना करके निरुत्साहित करना चाहिए। आज के समय में हम देख रहे हैं कि जो संयुक्त परिवार पहले हुआ करते थे, आजकल संयुक्त परिवारों का बिल्कुल विघटन हो गया है और एकाकी परिवार नजर आते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि उन जो छात्राएं जो होती हैं वही आगे जो भविष्य में है गृहिणी बनती हैं, उनमें सामाजिक एवं नैतिक गुणों का विकास नहीं हुआ होता है और परिवार जल्दी ही टूट जाते हैं। ना तो उनमें सहयोग की भावना होती है और ना ही आपस में प्रेम की भावना होती है, ना सच्चाई होती है, ना सद्भावना, ना सहयोग, ना संयम होता है और निस्वार्थ भाव से सेवा करने का भाव भी उनके अंदर नहीं होता। अतः इस यानी कि माध्यमिक स्तर पर चाहिए कि बालकों में सच्चाई की भावना आए, पारस्परिक प्रेम हो, सद्भावना, सहयोग, संयम, निस्वार्थ भाव आदि सामाजिक गुणों का विकास हो जाए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे स्वास्थ्य संबंधी अच्छी आदतों का विकास। यहाँ पर जो है मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर विकास होगा। क्रिएटिंग गुड हेल्थ हैबिट्स, स्वास्थ्यवर्धक तथा शारीरिक आवश्यकता के अनुसार पौष्टिक एवं संतुलित भोजन मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए नितांत रूप से महत्वपूर्ण है। छात्राएं शरीर एवं स्वास्थ्य विज्ञान का ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य की भोजन संबंधी आवश्यकताओं का समुचित ज्ञान प्राप्त करती हैं तथा स्वास्थ्य संबंधी नियमों से परिचित हो जाती हैं। भोजन तथा पाकशास्त्र के ज्ञान द्वारा वे अल्प व्यय द्वारा ऐसे स्वास्थ्यप्रद भोजन का आयोजन कर सकती हैं जिससे परिवार के लोगों का उत्तम स्वास्थ्य बने। उनके खाने पीने, सोने, कार्य करने, व्यायाम करने आदि कार्य जिससे जीवन की सभी दैनिक क्रियाओं में नियमितता आ जाती है का ज्ञान प्राप्त करती हैं। इन सब के अतिरिक्त वे स्वास्थ्य संबंधी आदतों को पारिवारिक सदस्यों के जीवन में व्यवस्थित करने का प्रयास करती हैं। यहाँ पर ये तथ्य आता है कि यदि स्वस्थ शरीर स्वस्थ होता है तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, यानी कि मन भी अच्छी तरह से कार्य करता है। दूसरी चीज़ जो अगर बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती हैं तो डॉक्टर्स को इतना पैसा व्यय करना पड़ता है, देना पड़ता है दवाइयों में इतना, फिर दवाइयाँ खाने पर साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। अतः स्वास्थ्य संबंधी अच्छी आदतों का विकास छात्राओं में होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पर हम देख रहे हैं आत्मनिर्भरता एवं आत्मविश्वास की भावना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड सेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। इस उद्देश्य की दृष्टि से गृह विज्ञान छात्राओं को समस्त गृह संबंधी कार्यों को कुशलतापूर्वक संपन्न करने के अवसर प्रदान करता है। गृह विज्ञान शिक्षा द्वारा छात्राओं को स्वास्थ्य के उन नियमों तथा गृह कार्य करने की उन कुशल विधियों का बोध कराया जाता है जो उनके तथा परिवारजनों के स्वास्थ्य को उत्तम रखने में तथा सुव्यवस्थित गृह निर्माण में सहायक होते हैं। कढ़ाई व सिलाई के शिक्षण द्वारा छात्राएं अपने व बच्चों की आवश्यकता के कपड़े सिलकर कपड़े का सदुपयोग तथा साथ ही साथ धन की बचत कर सकती हैं। धुलाई सीखकर दैनिक प्रयोग में आने वाले सूती, रेशमी तथा ऊनी वस्त्रों को स्वयं ही धो लेती हैं। पाकशास्त्र का ज्ञान अर्जन कर परिवार के सभी लोगों को स्वास्थ्यवर्धक एवं स्वादिष्ट भोजन का रसास्वादन कराती हैं। गृह संबंधी समस्त कार्यों में कुशलता प्राप्त कर वे आत्मविश्वासी बन जाती हैं। इसी के साथ हम देखेंगे गृह व्यवस्था संबंधी समस्त कौशलों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ ऑल स्किल्स रिलेटेड टू होम साइंस। सुव्यवस्थित एवं सुसज्जित गृह सुखी और शांतिमय जीवन का प्रतीक है। हमने देखा होगा कि घर में बड़ी व्यवस्था रहती है, सुंदर से प्रतीत होते हैं। हम घर किसी के घर जाते हैं तो शांति जैसा वातावरण लगता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि सुव्यवस्थित एवं सुसज्जित गृह सुखी और शांतिमय जीवन का प्रतीक है। गृहिणी के प्रयत्नों की सार्थकता सुव्यवस्थित गृह का निर्माण करने में है। गृह विज्ञान में छात्राओं को गृह के यानी कि घर के बाहरी वातावरण पर्यावरण को सजाकर आकर्षक बनाने का व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त गृह संबंधी विभिन्न क्रियाकलापों जैसे कि सिलाई करना, कढ़ाई करना, धुलाई करना, भोजन पकाना आदि को सुव्यवस्थित रूप से संपन्न करके कौशलों का विकास करने के पर्याप्त अवसर एवं अनुभव प्राप्त होते हैं।
गृह विज्ञान के जो पहलू हैं, कहें पहलू विकासात्मक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हैं, जिनका व्यवस्थित एवं पूर्ण नियोजित प्रक्रियाओं द्वारा विकास होता है, जैसे कि सांस्कृतिक मूल्यों का विकास होता है, शारीरिक विकास होता है। कहने का तात्पर्य यही है, शिक्षा का शरीर विज्ञान और स्वास्थ्य विज्ञान का ज्ञान देकर छात्राओं के शरीर के विभिन्न अंगों के महत्व और उनकी सुरक्षा की ओर ध्यान आकर्षित करती है और उनके स्वास्थ्य को बनाए रखने की क्षमता उनमें प्रदान करती है। शारीरिक श्रम के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण का विकास होता है। बहुधा ये देखा जाता है कि शिक्षित महिलाएं शारीरिक श्रम को घृणा की दृष्टि से देखती हैं। वे घर में खाना पकाना, रसोई साफ करना या घर की सफाई करना, बर्तन धोना, सिलाई करना आदि कार्यों को तुच्छ व निम्न कोटि का मानती हैं। ऐसी विचारधारा समाज के लिए कलंक है और स्वास्थ्य के लिए तो विशेष रूप से कलंक है, क्योंकि स्वास्थ्य जो हमारा जितना मजबूत होगा अधिक कार्य करने से होगा, और जब हम आराम ही करते रहेंगे तो हमारी शरीर की स्थिति भी वैसी ही बन जाएगी। अतः शारीरिक श्रम के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण का विकास करना भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है मानसिक विकास। मानसिक विकास की दृष्टि से गृह विज्ञान छात्राओं के ज्ञान भंडार में वृद्धि करने का कार्य करता है। गृह की आय बढ़ाने हेतु व्यवसायिक क्षमता का विकास होता है और गृह तथा समाज के मध्य समायोजन स्थापित करने की क्षमता का भी विकास होता है। इस प्रकार से हमने देखा कि इसमें बहुत सारे उद्देश्य हैं, साथ ही साथ एक व्यवहारिक उद्देश्य भी इसमें होते हैं। शिक्षण क्रियाएँ सीमित तथा सुनिश्चित की जाती हैं और अधिगम के अनुभवों की विशेषताओं को निर्धारित किया जाता है और मापन संभव हो पाता है। छात्र तथा छात्राएं शिक्षक दोनों विभिन्न प्रकार के व्यवहारों में अंतर कर लेते हैं, जिससे शिक्षण व्यूह रचना के में जो है सुगमता आ जाती है। सामान्य तथा विशिष्ट रूप में सारांश प्रस्तुत किया जाता है जो शिक्षण तथा अधिगम के लिए आधार प्रस्तुत करते हैं। तो इसमें जो है कई पहलू हो जाते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।